उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कैबिनेट बैठक में किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार के फैसले के मुताबिक उत्तर प्रदेश के किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफ किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से साफ है कि तकरीबन 2.15 करोड़ का 1 लाख तक का कर्ज माफ होगा। सरकार कुल 36,000 करोड़ देकर किसानों की कर्ज माफी करेगी। बीजेपी ने चुनाव के लिए जारी अपने संकल्प पत्र में जो सबसे प्रमुख वादा किया था वह किसानों की कर्ज माफी का ही था। अब सरकार इसका ऐलान करने जा रही है, लेकिन इससे सरकार के खजाने पर भारी बोझ आएगा। सरकार ने यह भी साफ किया था कि यह व्यवस्था राज्य को अपने स्तर पर ही करनी होगी। उत्तर प्रदेश में 2,33,00,000 सीमांत और लघु किसान हैं और लगभग 2 करोड़ छोटे किसान हैं। उत्तर प्रदेश के करीब 1.5 करोड़ किसानों पर इस वक्त 62,000 करोड़ का फसली कर्ज है, जिसे एक झटके में खत्म करने की तैयारी है। कृषि विभाग ने उन 1.5 करोड़ किसानों की लिस्ट तैयार कर ली है जिन पर फसली कर्ज है। किसानों की कर्ज माफी के लिए पैसा कर्ज के तौर पर केंद्र से लिया जाएगा। केंद्र इस कर्ज पर ब्याज कितना लेगा फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया है।